सच साहस सरोकार। प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। हम करेंगे अपने खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हमारे साथ पंडित राम जी मिश्र मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आप सभी को इस पंच पर्व में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रत्न सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनीम यश्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुकानाम। पंडित जी, गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है और भाई दूज में पूजा करने का क्या शुभ मुहूर्त है? गोवर्धन पूजा इस बार ग्रहण पड़ने के वजह से और दूसरे दिन अमावस्या होने की वजह से जो गोवर्धन पूजा है वो 26 तारीख को मनाई जाएगी, 26 अक्टूबर को, और ग्रहण पड़ेगा 25 अक्टूबर को। तो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा, गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ने, जब इंद्र ने इतनी बरसात की और उन्होंने पर्वत उठा लिया, तो इससे भगवान कृष्ण का अन्नकूट का भी उस दिन भोग लगता है भगवान को। बहुत कई मंदिरों में, खाटू श्याम मंदिर और कई बड़े बड़े मंदिरों में बहुत भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये दीपावली के पर्व के बाद ये पर्व आता है और ये उन्हीं पंच पर्वों में से एक माना जाता है। इससे गोवर्धन जी का, भगवान कृष्ण जी का पूजन उस दिन बड़े धूमधाम से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपने गोबर से सभी लोग अपने अपने घर में छत के ऊपर सब परिवार के सदस्य बना करके उनका अच्छे से पूजन करते हैं। अन्नकूट का पूजन भोग लगता है और ये बहुत ही पूजा परिवार के लिए बहुत ही मंगलकारी मानी गई है। पूजा के उपरांत द्वितीया को भाई दूज, दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व पड़ता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि यमराज अपने बहन यमुना के यहाँ हर बार आते थे, लेकिन उस बार कुछ नहीं आए, द्वितीया के दिन विलंब हुआ, तो उससे उनकी बहन थोड़ा सा नाराज हुई, जिसके कारण वो उसी दिन अपनी बहन से मिलने के लिए आए द्वितीया को ही, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को टीका लगाएगी और अपने घर में अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन उनको कराएगी अपने भाई को, उनकी उम्र बहुत लंबी होगी, उनको यमराज भी कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए भाई दूज का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि भाई बहन का प्रेम का और सौहार्द का यह दिवस होता है। इसे भाई दूज को उसी दिन को यम द्वितीया भी कहते हैं। इसे भाई दूज का त्यौहार होने के बाद ये पंच पर्व समाप्त होता है और ये त्यौहार भी सभी को, हमारे भारत देश में अलग अलग इस त्यौहार को अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, और सभी सनातन हिंदू धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए ये व्रत, ये पूजन, ये दीपावली का पर्व महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही अच्छे से, सबसे अधिक इस पे कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें इस पर्व पर। पटाखे छुड़ाने और आग से संबंधित चीज़ें होती हैं, इससे अपने परिवार में मिल करके बहुत सावधानी पूर्वक इस त्यौहार को आप मनाएं, जिससे जो बुरे ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसी बीच में सूर्य नीच होने से स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव होने की संभावना रहती है। इसे बड़े ही प्रेम पूर्वक इस पर्व को आनंद के साथ मनाइए, जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी आपका। तो ये थे पंडित राम जी मिश्र, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।